हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए हिंदी अनिवार्य 12th क्लास का एक ऐसा पेपर लेके आए हैं जिसमें से आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों को आप अच्छे से अच्छे तैयार कीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो कि आपको कौन सा आंसर आता है, कौन से का आंसर नहीं आता, ताकि उस हिसाब से आपको मैं तैयारी करा सकूँ। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, किसी मॉडल पेपर चाहिए किसी सब्जेक्ट का, तो आप मुझे बता सकते हो, आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। और आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सभी तरह के मॉडल पेपर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सभी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कुछ नोट दिए गए हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें आप प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी बीती बघाइए, इस पंक्ति में अलंकार है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। ऐसे प्रश्न नंबर 2 है। दिन डैश ढलता है धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आराम से, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3 है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में कौन सा बिंब है? गतिशील, स्थिर, दृश्य, स्पर्श। इन क्वेश्चंस में आपको 4 में से एक चूज करके लिखना है, ठीक है। उत्तर पुस्तक में आपको लिखना है। नंबर 4, तेज बोछारे में बिंब है, गतिशील, स्थिर, दृश्य, स्पर्श। इसमें प्रश्न नंबर 5 है। कविता के बहाने में कविता की तुलना की गई है, चिड़िया, फूल, बच्चे, उपयुक्त सभी। इसमें प्रश्न नंबर 6 है। जोर जबरदस्ती से बात की, डैश मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। पैच, चूड़ी, बोल्ट, चाल। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके अपने परीक्षा में उत्तम स्कोर प्राप्त कर सके। इसमें प्रश्न नंबर 7 है। भक्तिन का वास्तविक नाम था, सरोज, मीरा, सरस्वती, लक्ष्मी। इसमें प्रश्न नंबर 8 है। सिल्वर वेडिंग पाठ का मुख्य पात्र है, किशनदा, मेनन, यशोधर बाबू, चड्ढा। इसमें प्रश्न नंबर 9 है। हिंदी भाषा की लिपि है डैश। इसमें प्रश्न नंबर 9 से 13 का उत्तर एक शब्द में दीजिए। इसमें प्रश्न नंबर 9 से 13 का उत्तर एक शब्द में आपको देना है, ठीक है। इसमें प्रश्न नंबर 10 है। सभी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाक व्यवहार की वाणी को कहते हैं डैश। इसमें प्रश्न नंबर 11 है। घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है वाक्य में प्रयुक्त शब्द शक्ति का नाम है डैश। इसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। इसमें प्रश्न नंबर 12 है। राम की बहू एकदम गाय है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द शक्ति का नाम है डैश। इसमें प्रश्न नंबर 13 है। मुझे किताब भी चाहिए, वाक्य में प्रयुक्त निपात है। तो इन सभी के आपको आंसर एक शब्द में देने हैं उत्तर पुस्तिका में। आपको किन किन का आंसर आता है आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, आपको मैं आंसर की वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न नंबर 14 से 17 का उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। इसमें ये इस गद्यांश को पढ़कर आपको 14 से 17 तक के प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं, ठीक है। इसमें एक गद्यांश इस प्रकार है। मनुष्य समाज की इकाई है और परिवार उसका अभिन्न अंग है, अतः सर्वप्रथम पारिवारिक शांति, सद्भाव और प्रेम इसलिए आवश्यक है कि उनके द्वारा अपने आप को समाज के हित चिंतन में लगा सके। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और इसमें आपके ये कुछ प्रश्न दिए गए, इनके आपको आंसर देने हैं। इसमें प्रश्न नंबर 14 है। समाज का अभिन्न अंग क्या है? इसमें प्रश्न नंबर 15 है। समाज के हित चिंतन के लिए क्या आवश्यक है? समाज में परस्पर मिलकर कार्य करने के क्या लाभ है? और इसमें प्रश्न नंबर 17 है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़कर, ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, तो आप इनके आंसर भी दे पाओगे आसानी से। अगर फिर भी आप नहीं दे पाते हो तो आप पहले खुद देने की आंसर लिखने की प्रैक्टिस करना। अगर आपको आंसर नहीं पता होता है तो आपको आंसर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर आप कहोगे तो। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाना चाहता हूं, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, इसके बारे में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, आपको किसी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए या कुछ भी किसी भी तरह की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।